देंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी एकदम तैयार हैं। गावा सर देंगे आज चाट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए हेमांग जानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये सारे ट्रेड्स अब आपकी स्क्रीन पर आना शुरू होंगे। सचिदानंद बताइए क्या ट्रेड लेंगे? अच्छा, यहाँ पर वीकनेस है थोड़ी सी कमोडिटी स्टॉक्स में, वहां पर मुझे लग रहा है एमसीएक्स में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। लगभग जिस तरीके से 3800 का सपोर्ट यहाँ पर वायलेट हुआ है, तो 3800 का पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़े से यू नो प्रीमियम जहाँ पे इन्फ्लेटेड है, 169 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है, तो 160 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 140 ऑन लोअर साइड लगाना है, एंड एक से दो दिनों में ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 240 से 260 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है MCX के 3800 के पुट ऑप्शन में। MCX के 38 पुट ऑप्शन पर। मीनवाइल अब निफ्टी का लेवल है 21881, हमारा फर्स्ट बेस जो है वो ऑलमोस्ट अब टूटने के कगार पे। दैट मीन्स अब जो जोन जहाँ पे पुट राइटर्स इस बात को लेकर थोड़ा सा बिलीफ रख रहे थे कि 21932 नहीं टूटेगा, 21881 नहीं टूटेगा, ये पुट राइटर्स प्लस आपका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। अब एक लॉजिकल लेवल जो नीचे है वो है 21808, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट पे ड्रॉ कर दीजिएगा। मानस, एक सेकेंड थॉट ऑन इंडस्ट्रीज पे आपसे, अब 21900 के नीचे पिक्चर क्या बनती है आपके मुताबिक? 760-808 की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको जिस प्रकार से विक्स बिहेव कर रहा है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आई थिंक इस बार पॉसिबिलिटी है कि जो 100 डे मूविंग एवरेज है मेरे ख्याल से 21822, उसको ब्रीच करके 770 जो कि पिछला लो था उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर आपको इस टाइम एक बेट लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड होगा, और आपके टारगेट 770 के नहीं, अब आपके जो नए टारगेट होंगे वो 625 के आसपास के होंगे। तो करीब करीब 200-250 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में और देखने को मिल सकती है। अगर आप अभी एक ट्रेड ले रहे हैं तो आई थिंक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपके 21975 के ऊपर रहेंगे, 9875 के ऊपर रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 21625 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं निफ्टी में। जो 20-20 पॉइंट के लोग कॉल ऑप्शन लेते हैं ना बेस के आसपास, जब वो लेवल्स टूटते हैं तो ऐसे ही क्रैक आता है, याद रखिएगा। लौटते हैं फिर से एक बार सेगमेंट पे, रचना जी के पास चलते हैं फिर उस सुपरस्टार पिक करने के लिए। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरे तरफ से फिर से मेटल्स में सेल रहेगा, एंड दैट इज इन जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स। जेएसडब्ल्यू स्टील की फ्यूचर्स 835 पे है, यहाँ पे अगर 839 पे ऐसे लगा के इसको शॉर्ट करा जाए तो डाउनसाइड पे ये 830 को तोड़ते हुए 825 की तरफ जाते हुए हमें बहुत जल्दी नजर आने चाहिए। तो 830-825 का टारगेट और 39 का एसएल। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए मंदी का ट्रेड। एक और मेटल्स पे वीकनेस परसिस्ट हो रही है। गावा जी बताइए चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार में सेल है, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है लेकिन अब सेल सिग्नल मिला है, वो है अशोक लेलैंड। स्टॉक लगाना चाहिए 200 का, ट्रेड करा 194 के आसपास, पॉसिबल है कि 185 का जोन देखने को मिल सकता है अशोक लेलैंड, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है लेकिन सेल है। तो यहाँ पे सेल है ये, और अशोक लेन 193.95 पे डेल होगी ट्रेजेक्टरी बाकी ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं हेमांग जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। हेमांग जी नमस्कार, क्या पिक कर रहे हैं आप? सो हालांकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है काफी मिक्स हो चुका है, और अक्रॉस द बोर्ड हम लोग पर्टिकुलरली इंडाइसेस में वीकनेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे लेने के मौके थोड़े से मुश्किल है। पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कैप गुड्स में कुछ कंपनीज है जैसे एबीबी, सीमेंस, इनके नतीजे भी अच्छे आए थे और जो आगे की आउटलुक है वो भी काफी अच्छी है, तो उसमें मैंने एक वो सेगमेंट के अंदर एक स्टॉक चुना है विच इज टिमकेन, जिसके भी नतीजे काफी अच्छे आए थे, 30% की ग्रोथ है, और जो रेलवे सेगमेंट है वहां पे काफी अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन में एक्सपेंशन है 300 बेसिस पॉइंट का, और वो स्टॉक में हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मार्केट का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा, तो ये स्टॉक में डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। प्राइस टारगेट रहेगा 3550। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स मैं फटाफट से आपके लिए रिकैप कर देती हूँ। शुरुआत ऑफ कोर्स सस्ता ऑप्शन हमने सचिदानंद के साथ की, जिनका ट्रेड जो स्क्रीन पर आया है वो एमसीएक्स पर ही है, और ये मंदी वाला ट्रेड है।
3800 का पुट लेने की सलाह, इस समय 184 पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन 240 और उसके बाद 260 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पर एक शॉर्ट कॉल रचना ने दिया है, 830 का टारगेट इनका है, अगला टारगेट 825 का रहेगा। गावा साहब की तरफ से जो ट्रेड आ रहा है वो दरअसल है अशोक लेलैंड का, यहाँ पर भी वीकनेस है, तो सेल कॉल 185 का टारगेट आता हुआ, और टिमकिन इंडिया पर एक बाय कॉल हिमांग दे रहे हैं 3550 के आसपास के टारगेट के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए और सभी ट्रेड्स।